और जैसे दोस्त आपने निकाला वैसे ही लगाना होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये हो चुका है दोस्तों अपना मैप सेंसर क्लीन। और जल्दी दोस्तों अपन इसका जो ईजीआर है उसको भी क्लीन करेंगे, उसकी भी वीडियो प्रॉपर तरीके से वीडियो आएगी, तो चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों इसका यही काम होता है, जब भी दोस्तों अपने इंजन में एयर जाती है उसे ये मेजर करता है और इसी तक पहुँचाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये हो चुका है दोस्तों अपना मैप सेंसर प्रॉपर तरीके से क्लीन। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है और ये अपनी शेवरले बीट पेट्रोल। तो आज के वीडियो में अपन दोस्तों इसका मैप सेंसर क्लीन करेंगे। यह दोस्तों काफ़ी दिन से हमें कमेंट आ रहे थे इसका मैप सेंसर क्लीन करो, तो आज का वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो आज के वीडियो में दोस्तों अपन इसका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, मतलब दोस्तों मैप सेंसर, वो क्लीन करेंगे। और दोस्तों इसके रिलेटेड अपने कार में क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो भी आपको बताएंगे, और दोस्तों इसका काम क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो चले चलते हैं। तो चले दोस्तों आपको भी इसका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर दिखा देते हैं, मतलब दोस्तों मैप सेंसर दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसका जो मैप सेंसर यहाँ कुछ लगा होता है, जैसे कि दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपको दिखाया है, इसकी लोकेशन दोस्तों यहाँ होती है। और ये दोस्तों शेवरले बीट पेट्रोल है, ये कुछ इस प्रकार से। तो चले दोस्तों पहले इसे खोल लेते हैं, उससे पहले आपको ये बता देता हूँ इसका काम क्या होता है, मतलब ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि दोस्तों इसका नाम ही मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है, मतलब दोस्तों मैप सेंसर है। तो दोस्तों इसका ये काम होता है, जो भी गाड़ी में ये लगता है दोस्तों ये मैनिफोल्ड के पास ही लगता है, मतलब जो एयर इंटेक होता है दोस्तों, जहाँ से अपना एयर इंटेक होता है, मतलब दोस्तों जहाँ से अपना इंजन में एयर जाता है उसके ही करीब ये लगा होता है। ये कुछ इस प्रकार से अपने कार का कुछ इस प्रकार से लगा है। तो इसका काम दोस्तों ये ही होता है, जो भी अंदर हवा जाती है मतलब एयर जाती है उसे दोस्तों ये ईसीओ तक पहुंचाता है, मतलब दोस्तों एयर का जो प्रेशर है वो मेजर करता है और वही हिसाब से दोस्तों ईसीओ को बताता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अगर दोस्तों इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कीजिएगा, अगर हो पाया तो वो भी अपन वीडियो चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों ये काम कैसे करता है। अब दोस्तों इसके रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ये बताया, इसका जो काम है ये एयर प्रेशर को मेजर करके ईसीओ तक पहुँचाता है, उसी हिसाब से ईसीओ अपना काम करता है। अब दोस्तों ये ख़राब होगा या दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आई होगी या दोस्तों इसमें कचरा होगा तो क्या होगा दोस्तों, जो भी इंजन में एयर जाएगी मतलब दोस्तों वो सही से नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर आपके कार का मैप सेंसर ख़राब होगा तो दोस्तों ईसीओ तक वो सिग्नल पहुंच नहीं पाएगा। मतलब दोस्तों सीधी सी बात है, जब भी दोस्तों आपका ये मैप सेंसर ख़राब होगा जो भी इंजन में एयर जाएगा वो ईसीओ को पता नहीं चलेगा, वो ईसीओ क्या करेगा अपने हिसाब से ही इंजन में एयर भेज देगा। उससे क्या होगा दोस्तों, अपने जो इंजन में जो फ्यूल जाना है वो सही से बर्न नहीं होगा, और दोस्तों इंजन में सही से फ्यूल बर्न नहीं होगा तो दोस्तों आपको पिकअप ड्रॉप की समस्या भी आएगी या दोस्तों अपने कार के आरपीएम भी अप डाउन होंगे, मतलब दोस्तों आरपीएम रिलेटेड या पिकअप ड्रॉप रिलेटेड और माइलेज रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसके कारण। तो ये तो हो गया दोस्तों मैप सेंसर के रिलेटेड प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों अभी इसे खोलते हैं और इसे कैसे क्लीन करते हैं वो आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसका जो कनेक्टर है मतलब ये कपलर है ये निकालना होगा। और दोस्तों आपके कार में कोई भी इस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मतलब दोस्तों कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप दोस्तों इसका जो बैटरी का जो निगेटिव है वो भी निकाल सकते हो या दोस्तों पॉजिटिव है वो भी निकाल सकते हो, अगर आपके कार में इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। वैसे दोस्तों निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चले दोस्तों अभी इसे निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा, इसे दोस्तों हमें प्रेस करना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से निकल चुका है, तो इसे रखते हैं साइड में। तो ये अपना मैप सेंसर है, तो इसमें दोस्तों 10 नंबर का बोल्ट है, ये खोल लेना है हमें। चले दोस्तों इसे खोल लेते हैं। तो ये अपन ने खोल लिया दोस्तों, इसे रखते हैं साइड में। तो ये दोस्तों इसका मैप सेंसर, तो चले अभी इसे निकालते हैं। तो दोस्तों मैं अभी इसे निकाल रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा फिट बैठ चुका है, तो निकल नहीं रहा है दोस्तों। जब भी दोस्तों आपको ऐसा प्रॉब्लम आए इसमें, मतलब दोस्तों आपका ये काफ़ी हार्ड हो चुका होगा, निकल नहीं रहा होगा, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप इसे ना छेड़िएगा, इसे दोस्तों प्रॉपर तरीके से निकालिएगा। तो अपना तो ये निकल नहीं रहा है, तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और एक बार फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर दोस्तों आपका भी कुछ ऐसा ही केस होगा तो इसे ना छेड़िएगा, इसे आराम से ही निकालिएगा, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी महंगी चीज़ है। अगर दोस्तों ये बीट का देखने जाओ तो पेट्रोल बीट का ये कम से कम 3 या 3,500 का है, तो इसी कारण से, और डिपेंड करेगा दोस्तों मॉडल के हिसाब से, कार के मॉडल के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों अभी इसे निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो इसे धीरे धीरे ही निकालना होगा हमें, तो पहले मैं कैमरा सेट कर देता हूँ फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हमने कैमरा सेट कर लिया, तो चलिए अभी इसे निकालते हैं।
तो ये तो कुछ इस प्रकार से निकल नहीं रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से दोस्तों अभी इसे खोलेंगे। मतलब दोस्तों हमें ये स्क्रू ड्राइवर है, ये दोस्तों इसके नीचे थोड़ा सा गैप है, इसमें डालना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, जैसे कि देख पा रहे होगे आप, तो इसे दोस्तों धीरे धीरे निकालना होगा ताकि दोस्तों ये निकल पाए। एकदम दोस्तों धीरे धीरे निकालिएगा ताकि दोस्तों आपका मैप सेंसर है डैमेज ना हो। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से निकल चुका है, जैसे कि देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये दोस्तों इसका मैनिफोल्ड है, जैसे कि देख सकते हो आप मैनिफोल्ड होल्ड, ये कुछ इस प्रकार से। इसमें दोस्तों ये सेंसर है, ये कुछ इस प्रकार से लगता है। तो चलिए दोस्तों, अभी तो हमारे कार में कुछ कचरा नहीं है, वैसे भी आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस प्रकार से है। थोड़ा बहुत कचरा है वो निकाल लेते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए दोस्तों हमारे पास टोटल बॉडी क्लीनर है, उससे साफ़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों वो भी आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों अभी आपको इसे साफ़ करके दिखाते हैं। और साफ़ करने के लिए दोस्तों हमारे पास ये टोटल बॉडी क्लीनर है, जैसे कि देख सकते हो आप। अगर दोस्तों आपके पास ये नहीं है तो आप WD-40 भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं रहेगा दोस्तों इसे ही आपको साफ करना है। आप दोस्तों कौन से भी चीज़ से साफ़ कर सकते हो जो भी मैंने आपको बताया। बट दोस्तों एक ध्यान दीजिएगा, जब भी दोस्तों आप इसे क्लीन करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से सूखना चाहिए। मतलब दोस्तों आप किसी भी साफ़ कर रहे होगे तो वो प्रॉपर तरीके से सूखने के बाद ही इसे इंस्टॉल कीजिएगा। उसमें कोई भी तरीके का दोस्तों लिक्विड या जिससे भी आप साफ करेंगे वो चीज़ ना लगे। तो जब भी दोस्तों आप इसे साफ़ करेंगे तो साफ़ करने के बाद दोस्तों 10 या 15 मिनट तक इसे धूप में सुखाने के लिए रखें ताकि दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से सूख पाए। तो चलो दोस्तों अभी इसे क्लीन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों अभी इसे साफ़ करते हैं। ये हमने इसे खोल लिया है और इसे थोड़ा सा शेक भी करना होगा हमें कुछ इस प्रकार से। तो हमें दोस्तों ये जो अंदर है, जैसे कि देख सकते हो आप, तो इसके अंदर दोस्तों एक सेंसर लगा होता है, उसे दोस्तों हमें क्लीन करना होता है ताकि दोस्तों उसके जो ऊपर का कचरा है वो साफ हो जाए। तो चलिए अभी क्लीन करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो जैसे कि देख सकते हो आप, ये प्रॉपर तरीके से इसे साफ कर लेना है हमें। प्रकार से तो अभी तो दोस्तों हमारा जो मैप सेंसर है ये प्रॉपर तरीके से क्लीन है, इस कारण से हमें इसमें ज़्यादा कुछ डस्ट नहीं मिला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। जस्ट दोस्तों आपको ये दिखाने के लिए हमने इसे खोला। तो ये कुछ इस प्रकार से इसे साफ करना होता है। और ये चीज़ दोस्तों आप घर पे भी कर सकते हो, इसमें दोस्तों कोई ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं है। सिर्फ दोस्तों जस्ट हमें ये निकाल के इसे स्प्रे करना होता। तो जैसे दोस्तों आप इसे निकालने के बाद इसे स्प्रे करके दोस्तों 15 या 20 मिनट तक छोड़ दीजिएगा सुखाने के लिए, और जैसे ही दोस्तों आपने निकाला वैसे ही लगाना होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से, ये हो चुका है दोस्तों अपना मैप सेंसर क्लीन। अभी दोस्तों हम इसे 15 या 20 मिनट तक धूप में सुखाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों इंस्टॉल करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपको 15-20 मिनट के बाद, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से सूख चुका है, जैसे कि देख सकते हो आप। तो चलिए दोस्तों अभी इसे लगा लेते हैं। जैसे दोस्तों अपन ने निकाला वैसे ही इसे लगाना होता है। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से अभी लगाया दोस्तों, और इसे हमें प्रेस करना होगा ये कुछ इस प्रकार से, जैसे कि देख सकते हो आप, ये प्रॉपर तरीके से लग चुका है। और जैसे ही दोस्तों अपन ने इसे साफ किया तो यहाँ का दोस्तों कुछ मॉडल नंबर, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये भी उड़ चुका है, जैसे कि देख पा रहे होगे आप। चलिए दोस्तों अभी हमें ये बोल्ट लगा लेना है। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो ये अपन ने बोल्ट भी लगा लिया है। तो अभी इसे कपलर लगा लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से,
तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये हो चुका है दोस्तों अपना मैप सेंसर प्रॉपर तरीके से क्लीन। तो इसे क्लीन करना दोस्तों कोई डिफिकल्ट काम नहीं है वो दोस्तों, ये आप घर पे भी कर सकते हो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया। तो चलिए दोस्तों अभी कार को स्टार्ट करके दिखा देते हैं आपको। वैसे तो हमारे कार में दोस्तों कोई भी इस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ दोस्तों जस्ट आपको ये दिखाने के लिए ये वीडियो शूट किया। तो चले एक बार स्टार्ट करके दिखा देते हैं कार को। चले दोस्तों अभी कार को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो इसमें दोस्तों आपको मैंने प्रॉब्लम भी बताया, जैसे कि दोस्तों आपका जो आरपीएम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहे होगे या दोस्तों अप डाउन हो रहे होगे, तो यही प्रॉब्लम होता है इसका। और पिकअप ड्रॉप के भी रिलेटेड आपको बताया इसके बारे में, अगर दोस्तों आपका मैप सेंसर ख़राब हो तो पिकअप में भी थोड़ा ड्रॉप होगा और माइलेज भी आपको कम मिलेगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो अपनी कार वगैरह सब स्टार्ट है, तो चले आपको इंजन के और भी लेके चलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से अपना कार का इंजन है, ये पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क है, आपको एक बार रेस करके भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, और इसे कैसे क्लीन करते हो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और जल्दी दोस्तों अपन इसका जो ईजीआर है उसको भी क्लीन करेंगे, उसकी भी वीडियो प्रॉपर तरीके से वीडियो आएगी, तो चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपका कोई इस बारे में सवाल हो, राय हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं भी अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम।